हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग क्वीन कनाडा। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से सिंपल सा घर पे केक कैसे बनाते हैं इसको बताती हूँ। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। सबसे पहले मैंने एक आधा कप दूध लिया, फिर उसमें एक स्पून विनीगर डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट छोड़ने के बाद ये दूध फट जाएगा इस तरह। फिर इसमें 2 स्पून कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैंने 1 कप शुगर पाउडर लिया है, शक्कर को अच्छे से पीस के 1 कप शुगर लेके इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर पाइनएप्पल एसेंस 1/2 स्पून डाल के अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैंने इसे 1 कप मैदा लिया है, 1 स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 स्पून बेकिंग सोडा। इस तरह से तीनों को एक ही बार छनना है, इसकी वजह से लम्स नहीं होंगे। अच्छे से इसको ऐसा निकाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा एक चुटकी बराबर नमक डाल के अच्छे से मिला लें। थोड़ा टाइट था इसीलिए कंसिस्टेंसी इसकी देख के एक थोड़ा सा मैं इसमें दूध मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह होना चाहिए। एक बर्तन लेके इसमें अच्छे से ऑयल पूरा मिक्स करने के बाद आप बटर पेपर लगा के इसको तेल अच्छे से लगाएं, फिर सारा बैटर इसमें डाल दें। फिर सारा बैटर डालने के बाद इस तरह करके एक पतीले को मैंने गर्म होने के लिए 5 मिनट छोड़ दिया। फिर नमक डाल के एक प्लेट को उल्टा डाल के मैंने 45 मिनट्स तक केक रख के बंद कर दिया। कम फ्लेम में रखना चाहिए। फिर देखें इस तरह आप स्टिक से चेक करेंगे चिपकेगा नहीं तो समझेंगे पक गया। फिर इसके बाद एक बॉल में मैंने 1 कप क्रीम लिया, फिर सिट्रिक एसिड 2-3 चुटकी लेने के बाद इसको इसमें मिक्स करके इस तरह आप अच्छे से मिक्स करें। फिर अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट मिक्स करने से थोड़ा टाइट हो जाएगा। फिर इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस डाल के फिर 2-3 स्पून शुगर पाउडर डालूंगी थोड़ा थिकनेस के लिए। देखें इस तरह फिर इसको पूरा मिक्स करने के बाद मैं 1/2 अलग अलग कर लूँगी थोड़ा कलर चेंज करने के लिए। फिर इसमें थोड़ा सा कलर डाल के मिक्स करना है इसको। ज़ोर ज़ोर से मिक्स करेंगे तो इसका ये बहुत पतला हो जाएगा। थोड़ा धीरे से इसको मिक्स करना है। फिर ये केक ठंडा होने के बाद इस तरह निकालना है। देखें सारा बन के तैयार है, बहुत अच्छे से बना है, बिल्कुल स्मूथ। और जो ये एक्स्ट्रा जो जला हुआ है इसको मैं निकाल देती हूँ। फिर इसमें हम 3 स्टेप से काट लेंगे। फिर इस तरह मैंने 3 स्टेप से काट लिया। ये काटने तक मैंने शुगर सिरप बना के रखा है 1 कप शुगर और थोड़ा सा पानी डाल के शुगर सिरप बना के ठंडा होने के लिए रखा था। फिर इस तरह 1 कप में मैंने कवर डाल के सारा क्रीम डाल देना है। फिर इसमें शुगर सिरप डाल के थोड़ा थोड़ा क्रीम मैं ऐसा डालती जाऊंगी। आपके पास पाइनएप्पल क्रश रहा तो डाल दें या नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसी तरह तीनों लेयर को डाल के
अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे। फिर सारा साइड में लगा लेंगे। फिर देखिए जो कलर चेंज किया था उसका मैंने इस तरह फूल बना के फिनिशिंग कर लिया। ये बहुत आसानी से, बहुत इजी से घर पे बनाया जा सकता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।